तो स्वागत दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरके टेक्निकल। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस तरीके से बिन फालतू की सिस्टम एप्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं विदाउट रूट। जी हां दोस्तों, आपको कोई पीसी कोई रूट की जरूरत नहीं है। आप दोस्तों बहुत ही आसानी से किसी भी अनफालतू की सिस्टम ऐप पड़ी रहती है, जैसे दोस्तों हाईटेक क्लाउड हो गया, आप इन सब एप्लीकेशन को दोस्तों यूज नहीं करते पर डिलीट भी नहीं कर पाते। इन सब एप्लीकेशन को बताऊंगा दोस्तों कैसे आप बहुत ही आसानी से, दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बताऊंगा पूरा कैसे आप डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने डिवाइस के डेवलपर ऑप्शन एनेबल कर देना है। डेवलपर ऑप्शन एनेबल करने के लिए दोस्तों आपको बिल्ड नंबर पे 7 times प्रेस कर लेना है। देन दोस्तों आपका डेवलपर ऑप्शन आपके डिवाइस में एनेबल्ड हो जाएगा। अगर आपका एमआई का डिवाइस है तो आप दोस्तों एमआई वाई वर्जन पे 7 times प्रेस करके डेवलपर ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। देन दोस्तों यहां पर डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद आपको सिंपली से इसको यहां पर से डिसेबल रहेगा, उसको दोस्तों एनेबल कर लेना है। एनेबल करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों डीबगिंग का ऑप्शन। तो डीबगिंग ऑप्शन को दोस्तों सिंपली से आपको यहां पर से एनेबल कर लेना है। देन दोस्तों यहां पर से ओके कर लेना है। देन आपका नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों वायरलेस डीबगिंग। जी हां दोस्तों, वायरलेस डीबगिंग ऑप्शन को आपको सिंपली से अलाउ एक्सेस करके इसको भी एनेबल आपके डिवाइस में कर लेना है। यही मेन ऑप्शन है दोस्तों, इसको आपको अच्छी तरीके से ऑन कर लेना है, एक बार चेक कर लेना सक्सेसफुली ऑन हुआ या फिर नहीं, कुछ इस प्रकार से। तो इसको ऑन करने के बाद दोस्तों यहां पर से आपका सेटिंग से हो चुका है काम कंप्लीट। अब दोस्तों यहां पर से आपको बैक आ जानी है। बैक आने के बाद दोस्तों अब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बाद में एक एप्लीकेशन का लिंक दिया दोस्तों, उसको जाकर आपको डाउनलोड एंड अपने डिवाइस में दोस्तों इंस्टॉल कुछ इस प्रकार से कर लेना है, जिसका नाम है दोस्तों LADB। जी हां दोस्तों, इस एप्लीकेशन की जरूरत आपको पड़ेगी अपने डिवाइस से दोस्तों सिस्टम एप्स को डिलीट करने के लिए। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन बाद में प्रोवाइड करा दिया, वहां पर से बहुत ही आसानी से इसको आप डाउनलोड एंड डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। देन दोस्तों आपको गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको सर्च कर लेना है पैकेज व्यूअर। जी हां दोस्तों, पैकेज व्यूअर आप जैसे सर्च करेंगे सेकंड नंबर पर एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसका भी लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर से आप डायरेक्टली जाके इस एप्लीकेशन को अपने इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है दोस्तों, 16 KB का आपको देखने को मिल रहा है। इसको दोस्तों आपको डिवाइस में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेना है। देन दोस्तों यहां तक का हो चुका है आपका काम कंप्लीट। अब आपका काम आता है दोस्तों जो LADB एप्लीकेशन है उसको दोस्तों सिंपली से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों इसको स्प्लिट स्क्रीन पर दोस्तों ऑन कर देना है। जी हां दोस्तों, स्प्लिट स्क्रीन पे आपको ऊपर में रख लेना है इस एप्लीकेशन को। देन दोस्तों अपने डिवाइस की सेटिंग्स ओपन कर देनी है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद दोस्तों अगेन आपको डेवलपर ऑप्शन अपना ओपन कर लेना है। जी हां दोस्तों, डेवलपर ऑप्शन में एनेबल कर लेता हूं अपने डिवाइस में। तो ओपन करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है, उसी ऑप्शन पे चले आना है दोस्तों वायरलेस डीबगिंग वाले ऑप्शन पे। जी हां दोस्तों, उस ऑप्शन पे आने के बाद यहां पर से आपको देखने को मिल जाएगा पेयर डिवाइस विथ पेयरिंग कोड। जी हां दोस्तों, इस ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। मैं कर लेता हूं दोस्तों यहां पर से क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर से आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा पेयरिंग कोड। देन दोस्तों नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा आईपी एड्रेस। जी हां दोस्तों, आईपी एड्रेस के लास्ट 5 digits आपको याद रख लेने हैं, उसको दोस्तों आपको पोर्ट में डालना है। देन दोस्तों पेयरिंग कोड को पेयरिंग कोड पे। जी हां दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको बहुत ही आसानी से उसको फिलअप कर लेना है। आईपी एड्रेस के लास्ट के 5 digits आपको यहां पर पोर्ट में डाल देनी है। देन दोस्तों पेयरिंग कोड आपने जो बड़े डिजिट्स में लिखा हुआ दिख रहा था दोस्तों, उसी को यहां पर आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपका दोस्तों डिवाइस में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप वायरलेस डीबगिंग से कनेक्टेड हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, इसके लिए आप अगर वाईफाई लेना चाहते किसी से तो वाईफाई लेकर इस प्रोसेस को फॉलो करिए दोस्तों, 100% आपका वर्क करेगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों सक्सेसफुली आपको कनेक्ट अपने डिवाइस को वायरलेस डीबगिंग से कर लेना है। तो अब दोस्तों आपको जिस भी सिस्टम एप्लीकेशन को अपने डिवाइस से अनइंस्टॉल करनी है उसका दोस्तों पैकेज यूजर नेम आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे दोस्तों, उसके लिए दोस्तों मैंने आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कराई थी पैकेज व्यूअर। जी हां दोस्तों, उस एप्लीकेशन को आपको सिंपली से यहां पर से कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों जिस भी सिस्टम ऐप का आप उसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं उसका पैकेज नेम दोस्तों आपको यहां पर से देख लेना है। जैसे दोस्तों मैं एग्जांपल के लिए हाईटेक क्लाउड को दोस्तों अपने डिवाइस से अनइंस्टॉल करना चाहता हूं, तो यहां पर मेरे को नीचे में देखने को मिल रहा है com.hightech.cloud, ये दोस्तों उसका पैकेज नेम है। अब क्या करना है दोस्तों, कमांड डालनी है। कमांड दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख सकते हैं दोस्तों PM space uninstall, उसके बाद स्पेस, उसके बाद दोस्तों आपको -k, उसके बाद स्पेस -user space 0, उसके बाद स्पेस, उसके बाद दोस्तों जो आपका पैकेज नेम है दोस्तों सिस्टम ऐप का, वो यहां पर आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद दोस्तों यहां पर से आपको राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक आप जैसे ही करेंगे दोस्तों यहां पर से नीचे में आपको सक्सेस करके देखने को मिल जाएगा। ये देखिए सक्सेस, आप जैसे ही आप करेंगे दोस्तों सक्सेस आपका डिवाइस हो जाएगा। सक्सेसफुली आप देख सकते हैं दोस्तों हमने हाईटेक एप्लीकेशन को अपने डिवाइस से अनइंस्टॉल कर ली। आप दोस्तों सिस्टम ऐप्स में जाकर देख सकते हैं, हाईटेक आप जैसे सर्च करेंगे पूरी तरीके से अपने डिवाइस से अनइंस्टॉल हो चुका है जो कि सिस्टम ऐप्स है दोस्तों। तो कुछ